कुछ आसान सा तरीका भी हो सकता है हमारा वो क्या हो सकता है देखो कुछ हमें थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि इसने बताया कि इसका जो व्यास है वो है चालीस ठीक है और जीवा बताई है कितनी बीस ठीक है इसका इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बीस ठीक है इसको मिलाओ मिल गई ये ये यहाँ से लेके यहाँ तक बता सको कितनी होगी ये तो बीस है जीवा बता रखी है इसने ये यहाँ से लेके यहाँ तक बता सको तो बताओ कितनी होगी बीस क्यों होगी बीस बताओ त्रिज्या है ठीक है तो ये बीस होगी चलो ये बीस और ये ये बीस जब ये कैसा त्रिभुज हो गया बताओ कैसा त्रिभुज है ये सम्भाव त्रिभुज है क्योंकि सारी भुजा बराबर होगी जब सम्भाव त्रिभुज है तो ये कौन कितना होगा बता बताओ बताओ कित कितने डिग्री के होंगे जब सम्भाव त्रिभुज होता है इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर और तीनों कोण बराबर तो ये साठ डिग्री हो गया ये भी साठ हो गया ये भी साठ हो गया ठीक है तो तीनों साठ साठ डिग्री के हो गए ठीक है ये साठ हो गया साठ डिग्री का ये तो लंबाई है बीस सेंटीमीटर ठीक है अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो उस फॉर्मूले से भी हम इसे निकाल सकते हैं अब थीटा रेडियन हमें मालूम हो गया साठ है चाप की लंबाई हमें निकालनी है यहाँ से लेके हद तक ये और त्रिज्या की लंबाई कितनी है बीस ठीक है तो इसकी इसमें गुनाह कर देंगे और ये जो साठ डिग्री है ना ये डिग्री है ये इसे रेडियन में चेंज कर लो बस एक काम ये कर लो ठीक है ना साठ डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे बताओ इसे रेडियन में लिखो याद है कैसे बदलना था भाई एक सौ अस्सी डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है तो एक डिग्री पाई बटे एक सौ अस्सी हो गया और साठ डिग्री पाई बटे एक सौ अस्सी गुना में साठ तो कितना आ गया बताओ पाई बाई थ्री ठीक है तो इसे पाई बाई थ्री रेडियन में लिखो क्योंकि देखो साफ लिखा है फॉर्मूले में है थीठा रेडियन तो इसे रेडियन में चेंज करके लिखोगे बस अब इसकी मल्टीप्लाई कर, कर दो यहाँ तो चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी बीस गुना में पाई बीस पाई बटे तीन ठीक है ना ये चाप की लंबाई आ जाएगी इसकी तो, तो बीस ही थी ना करिए छोटे क्वेश्चन में कह रहा है दो व्रत है दो बनाने हैं आपकी बार हमें एक और दूसरा दो व्रत में हमें इसने बताया है दो व्रतों के समान लंबाई वाले चाप हैं। देखो इसका केंद्र हो गया इसकी लंबाई चाप की समान ली है इसने अगर हम ये कहें ये ए बी है और ये पी क्यू है तो दोनों लंबाई ये कह रहा है बराबर है ठीक है इसकी ये शर्त दी है इसने पहले ही दो व्रत हैं तो इसका केंद्र अगर अगर हम कहें ओ है और इसका केंद्र ओ डैश है तो इनके जो चाप की लंबाई है वो दोनों की बराबर है अब ये आगे कहता है अपने अपने केंद्रों पर साठ डिग्री और पिछहत्तर डिग्री के कोण बनाते हैं तो ये जो कोण बना रहे हैं ये एक साठ डिग्री का बनाता है और पिछहत्तर डिग्री का बनाता है साठ डिग्री और यहाँ बना रहा है पचहत्तर डिग्री चाप की लंबाई तो समान है मतलब ए बी चाप जो है वो पी क्यू के बराबर है कौन अलग अलग हैं दोनों के ठीक है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात देखना है तो अगर हम ये कहें कि इसकी त्रिज्या आर है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है इनका अनुपात हमें निकालना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी अभी बताया था थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका इसके लिए भी निकालो और इसके लिए भी निकालो दोनों के लिए निकाल लेंगे तो इसमें से थीटा रेडियन इसे रेडियन में रखना है भाई ठीक है वैसे तो यहाँ इस क्वेश्चन में काम चल सकता है बिना रेडियन के भी क्योंकि तो अगर हम रखें तो साठ और अगर इसे चलो बदल लो रेडियन में बदलो कितना आएगा डायरेक्ट बदल सको फाइव बाई थ्री एक सौ अस्सी से गुना कर दो बस सीधे बदल बदल जाता है और इधर चाप चाप इसकी ए बी है और त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है ठीक है एक समीकरण कहेंगे इसे फिर इसे देख लो ऐसी इसे बदलो पचहत्तर कैसे बदलेंगे मैं पाई बटे एक सौ अस्सी और गुना पिचहत्तर कर देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा पाई बटे एक सौ अस्सी और गुना पिछहत्तर जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई करनी है हमें भाई पंद्रह पाँच पिछहत्तर और पंद्रह बारह एक सौ अस्सी तो पाँच पाई बटे बारह आ जाएगा ये आ गया ये यार है ना और इधर इसकी चाप की लंबाई क्या है पी क्यू और लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है आर ये होगी समीकरण नंबर दो ठीक हो गया सही है भाई ये इस तरह से हमने निकाल लिए। इसमें बताओ समझने में कोई दिक्कत हो भाई इसका कौन लिया और इसकी चापर त्रिज्या और ऐसे इसका कौन और चाप पर त्रिज्या ये ले लिया हमने ठीक है अब हमें ये स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है इसके ये मान निकालने हैं आर हम किसे कह रहे हैं त्रिज्या है ठीक है अब कैसे निकालते हैं इस समीकरण को एक को दो से भाग कर देंगे भाग कैसे करते हैं ये भाग भी देख लो तो भाग सीधे सीधे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे भाग कर देंगे पाई बटे तीन और इधर क्या है ए बी बटे में आर और इधर पाँच पाई बटे बारह और इधर पी क्यू बटे आर अब देखो हमने लिखा था पहले ए बी और पी क्यू दोनों बराबर हैं तो ए बी से तो पी क्यू कट गया और यहाँ इस पाई से पाई कट गया अब ये कैसे जाते हैं इनका ट्रांसफ़र कैसे होता है ये पाई तो जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ बीच वालों के गुना बीच वाले में और निचले वाले की ऊपर वाले में है ना ऐसी ये जाएगा ऊपर और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है तो ये यह यहाँ जाता तो इन्हें ऐसी पहुँचा दो बारह को पहुँचा दो सबसे ऊपर बारह बटे में तीन गुना में पाँच इधर आर चला गया ऊपर बटे में आर अभी से तीन से डिवाइड कर देंगे तीन चौक बारह तो ये इसमें अनुपात आ गया आर अनुपात आर आ गया इसमें अनुपात चार अनुपात पाँच लेकिन जैसे इसने कोण दिया था ना पहले सात डिग्री कोण दिया तो इसका मतलब पहले वाले की त्रिज्या ये हो जाएगी तो इन्हें बदल लो यानी कि इस आर को पहले और इस आर कैपिटल को बाद में ऐसे तो ये बदल जाएगा फिर आ जाएगा निकल के ठीक है ना ये आना है इसका आंसर ठीक है ये इसका सेंटर हो गया और इसको ऐसे छोड़ दें तो अभी मैं इसे ऊपर से ला रहा हूँ हाथ से वैसे हाथ से नहीं हिलाना है नीचे से ही लाना है अब देखो इसको तो जहाँ ये ऊपर है ये तो हो गया इसका सेंटर यहाँ ठीक है यहाँ इसका सेंटर हो गया मान लिया और ये इसकी त्रिज्या है और ये जो ऐसे घूम रहा है इसको अब मैं इसकी चित्र बनाता हूँ तुम्हें तो जब समझ में आएगा और ज़्यादा तो ये ये केंद्र हो गया ये त्रिज्या होगी भैया यहाँ तक जा रहा है और यहाँ तक इधर यहाँ तक जा रहा है ठीक है ना ऐसे तो जा रहा है और ऐसे बन रहा है ठीक है तो ये तो होगी एक व्रत की चाप ठीक है और इसकी जो इसको इसको ही हम दोलायम दोलक कहते हैं ये जो मैं इसमें धागे पे हिला रहा हूं ना ये यही दोलायमान दोलक कहलाता है पेंडुलम सिंपल पेंडुलम कहते हैं इसे इंग्लिश में तो पिछहत्तर सेंटीमीटर लंबाई इसके धागे की लंबाई है पिचहत्तर सेंटीमीटर और ये कह रहा है नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई अगर दस सेंटीमीटर है यह कह रहा है अगर यह दस सेंटीमीटर है यह चाप की लंबाई फर्स्ट पार्ट इसका बता रहा हूं मैं कि अगर चाप की लंबाई दस सेंटीमीटर है तो बनाए गए क्या पूछ रहा है कौन ठीक है ना और रेडियन में पूछ रहा है ये रेडियन में ही निकल कर आता है अपने आप ही क्योंकि फॉर्मूला ही रेडियन का है तो फॉर्मूला क्या है थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या बस अब इसमें रखो तीनों पार्ट ऐसे निकल जाएंगे अब हमें थीटा रेडियन पहले वाले पार्ट में निकालना तो इसकी चाप की लंबाई कितनी तरह की दस और त्रिज्या पिचहत्तर है इसे कर लो डिवाइड तो पाँच हो जाएगा पाँच दूरी दस अरे पंद्रह पाँच पिछहत्तर तो थीटा रेडियन का मान निकल कर गया दो बटे पंद्रह पार्ट में यही फॉर्मूला लगाना है थीटा रेडियन चाप की लंबाई बदल जाएगी पंद्रह और बटे 75 पंद्रह पाँच पिछहत्तर कट गए ठीक है ये निकल जाएगा और तीसरे पार्ट में कितना दिया है इक्कीस दिया हुआ है ये तो थीटा रेडियन बराबर इक्कीस बटे 75 सोल कर लो इन्हें ठीक है ना ये तीन से कट रहा है और ये पच्चीस बस ऐसे करके तुम इसे निकाल लोगे तो एक्सरसाइज खतरा